हमा गणेशा, आज मैं आपको बेसन से गांठिया सेव की नमकीन बनाकर बताऊंगी। तो अब गांठिया नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन। मैंने इस कटोरी का नाप रखा है, मैंने 5 कटोरी बेसन लिया है। आप कोई भी कटोरी का नाप रख सकते हैं। 1 चम्मच डाला है मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना कूटा हुआ जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच है गरम मसाला और 1/2 चम्मच ये कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच है नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और 1/2 चम्मच है बेकिंग सोडा। यह नमकीन थोड़ी मसालेदार और तीखी होती है। अब चम्मच की सहायता से हम बेसन में ये सारे मसाले मिला लेंगे। तो अब हमने एक चौड़ा बर्तन लिया है इस तरह का, जिसमें हमने जिस कटोरी से बेसन नापा उसी कटोरी से 1 कटोरी लिया है तेल, जिससे हम खाना बनाते हैं। सरसों का तेल हमें नहीं लेना है, रिफाइंड ऑयल लेना है, और 1 कटोरी लिया है ठंडा पानी। यह पानी हमको गुनगुना पानी नहीं लेना है, मटकी का जो हम पीते हैं वही पानी लेना है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे, जब तक कि ये तेल और पानी हमारा इस तरह से गाढ़ा ना हो जाए। कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको। तो अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे। हमें गांठे सेव बनाने के लिए आटा लगाना है, तो एक साथ पूरा बेसन ना डालें। 1/2 हमने बेसन डाला है और बाकी रखा है। पहले हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे ताकि कोई गांठ ना पड़े। फिर हम ये बचा हुआ बेसन भी इसमें डाल लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मसल के आटे को गूंथ लिया है। अभी ये चिपचिपा लग रहा है, लेकिन जब बेसन फूली जाएगा तब ये बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस पर ढक्कन लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो हमने गांठिया नमकीन बनाने के लिए ये मशीन ली है, इसको गन मशीन बोलते हैं। और ये जाली है जो हमने, जिसमें एक छेद है वो जाली ली है। ये छेद बड़ा है क्योंकि हम गांठिया नमकीन बना रहे हैं, इसलिए बड़े छेद वाली जाली ली है। और इसके अंदर मैंने तेल लगा लिया है, जिससे कि हमारा आटा चिपके नहीं। तो जाली को हम सेट कर देंगे। 15 मिनट हो गए हमें आटा लगाए हुए। तो हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आटा हमारे हाथ में ना चिपके। और अब इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मल लेंगे। अगर आटा चिपकता हो तो आप थोड़ा तेल और लगा दें। तो आटा हमारा बराबर हो गया है। पहले यह गीला और चिपचिपा लग रहा था, लेकिन 15 मिनट रखने के बाद बेसन फूल जाता है, तो आटा हमारा बराबर हो जाता है। अब हम इसे मशीन में भर लेंगे। एक बार मशीन भर दी और 2 बार और भरी जाएगी, तो इसको हम ढक देंगे। और मशीन पर ढक्कन लगा लिया। तो एक कढ़ाई में तेल गरम किया, तेल को हम चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। और जैसे ही बेसन तैर कर ऊपर आ जाता है, इसका मतलब हमारा तेल गरम हो गया है। तो जिस वक्त हम इसके अंदर ये गांठिया नमकीन डालेंगे, उस वक्त हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि हमारा जो तेल है वो ठंडा ना हो। और इस तरह से गोल गोल हाथ को घुमाते हुए हम ये नमकीन बनाएंगे। और फिर हम गैस की फ्लेम धीरे कर देंगे। और हमको इसको बिल्कुल ही धीरे गैस पर पकाना है, क्योंकि ये मोटी सेव है, गांठिया सेव थोड़ी मोटी होती है। तो अगर तेज आंच पर हम पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो हमको बिल्कुल ही स्लो गैस पर इसको पकाना है, 2-3 बार पलट कर। ये देखिए, एक बार दोबारा बनाकर बताती हूँ। गैस की फ्लेम हम जिस वक्त नमकीन बना रहे हों मीडियम रखनी है, ताकि हमारा तेल का टेम्परेचर बराबर रहे। और हाथ को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें ये नमकीन बनानी है। फिर जब हमारी नमकीन थोड़ी सी पक जाएगी, तो हम बिल्कुल ही गैस को स्लो कर लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। और बाद में हमको बिल्कुल ही धीरे गैस पर इसको पलट कर तलना है, ताकि हमारी ये जो नमकीन है अच्छी अंदर से पक जाए।
तो गांठे नमकीन हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद हम इसे इस तरह से टुकड़े करेंगे। नमकीन हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। गांठिया थोड़ा मोटा होता है तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी एक बार बनाकर ट्राई करें, और ये बहुत ही चटपटी और तीखी नमकीन होती है। इस तरह के किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में डालने से इसके अंदर नमी नहीं बनती और ये बिल्कुल ही जैसी हम बनाते हैं वैसी ही क्रिस्पी रहती है। एयर टाइट डिब्बे में यह एक महीने तक जैसी है वैसी ही रहती है। आप भी इस तरह से एक बार यह गांठिया नमकीन जरूर बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।